आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। आज आजादी के अमृत महोत्सव पर दहिसर पूर्व रेलवे स्टेशन के पास ट्रैफिक डिवीजन के संजय प्रसाद लाड ने रिक्शा वालों को संबोधित किया। कहा कि रिक्शा चालक यूनिफॉर्म पहने और मनमानी पैसा न वसूले और पब्लिक को सही जगह पर छोड़े, उन्हें गुमराह न करें और दोषी पाए जाने पर हम उन पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल संतोष बर्गे की काफी तारीफ की, उनके कामकाज की। संजय बर्गे एक ईमानदार कांस्टेबल है जो समय समय पर लोगों की मदद करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रामा विश्वकर्मा जी का कहना है, जहां भी ट्रैफिक होता है संतोष बर्गे वहां पर पहुंचकर ट्रैफिक क्लियर करते हैं। दहिसर रेलवे स्टेशन मानव कल्याण, दहिसर चेक नाका, रावलपाड़ा, अशोक वन नेशनल पार्क है और अवैध तरीके से वाहन चलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। संतोष बर्गे को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी ने सम्मानित किया था उनके अच्छे कामों को देखते हुए। संतोष बर्गे का कहना है, जिस गाड़ी के कागज पत्र बराबर नहीं है और रिक्शा वाले जो मनमानी पैसा वसूलते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मैं 10-15 साल से समाज सेवक हूँ यहाँ पे, लेकिन संतोष बर्गे कैसा आदमी है, उनके डर से अवैध गाड़ियाँ, अवैध लाइसेंस वाले, रेसिंग वाले सब बंद कर दिए हैं। उनका दहिसर में स्टेशन वो इतना साफ सुथरा बंदोबस्त है कि उनको मतलब सराहनीय है। उन्होंने बीच में हमारे मुंबई के सीपी साहब ने सम्मानित किया, उनके नाम से जितने बिना लाइसेंस वाले, बिना बेच वाले, बिना परमिट वाले सब डर के भागते हैं। धन्यवाद। मैं 10-15 साल से समाज सेवक हूँ यहाँ पे, लेकिन संतोष बर्गे कैसा आदमी है, उनके डर से अवैध गाड़ियाँ, अवैध लाइसेंस वाले, रेसिंग वाले सब बंद कर दिए हैं। उनका दहिसर में स्टेशन वो इतना साफ सुथरा बंदोबस्त है कि उनको मतलब सराहनीय है। उन्होंने बीच में हमारे मुंबई के सीपी साहब ने सम्मानित किया, उनके नाम से जितने बिना लाइसेंस वाले, बिना बेच वाले, बिना परमिट वाले सब डर के भागते हैं। धन्यवाद। रिक्शा वाले को हम यही बताना चाहते हैं कि आप लाइसेंस बैज यूनिफॉर्म पहनो और जो पैसेंजर आता है उसको लेके जाओ, भाड़ा मना ही मत करो। आपके लिए इधर ट्रैफिक पुलिस रास्ते पे खड़ा है, आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा रिक्शा वालों को हमें बताओ, हम सॉल्व कर देंगे, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और आप हम जैसे जनता की सेवा कर रहे हैं वैसे ही आप जनता की सेवा सेवा करो, यही कहना है हमारा। जो रिक्शा वाले गायब हो जाते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं, बैच नहीं तो फाइन ज़्यादा है, विदाउट परमिट है, वही गायब हो जाते हैं। और जो ईमानदार रिक्शा वाले वही इधर ही रुकते, ईमानदार रिक्शा वाले वो लाइन में आते, लाइन में भाड़ा जाते, किसी भी भाड़ा को ना करते नहीं, यही बात है। अपना आज बहुत ही अच्छा दिन है 15 अगस्त का, यही मौके पे सब बंधु भाव से मिलकर रहना चाहिए, यही बात बताना चाहते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रभारी हिंदी मराठी, मैं प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय लाड, ट्रैफिक दहिसर डिवीजन। पहले मेरी तरफ से आप सबको स्वातंत्र की, अमृत महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। इधर हमारी तरफ से जो ऑटो वाले हैं, ऑटो चालक और जो गरीब लोग हैं उनको हम ये अवसर पर नाश्ता भेंट दे रहे हैं। इधर संतोष बर्गे हमारे जो हवलदार है उनका नाम बड़ा ही फेमस है। बर्गे साहब आते हैं तो लोग भागते हैं, कौन भागते हैं, जिनके पास अवैध गाड़ी है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो मतलब गलत है वो भागता है, बाकी जो परफेक्ट है उनको भागने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो उन्होंने गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए। हम लोग ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। और हमारे जो ट्रैफिक हवलदार बर्गे साहब है वो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत सारे लोग इधर उनको मानते भी हैं।
ऐसा नहीं कि उनको डरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको मानते हैं। उनकी वजह से ट्रैफिक अपना दहिसर रेलवे स्टेशन पे जो ट्रैफिक रेगुलेट होता है वो बहुत अच्छी तरह होता है, और हमें उन पर गर्व है।